हेलो व्यूअर्स, आज मैं आ गई हूँ दिल्ली घूमने के लिए और इस समय मैं दिल्ली की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो से एक फेमस मार्केट में जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको भी साथ ले चलती हूँ। तो अब मैं यहाँ से क्या क्या खरीदूँगी ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगी। इस मार्केट में आप अपने सारे बार्गेनिंग स्किल्स भी दिखा सकते हैं। तो ये सरोजनी नगर मार्केट में मैं आ गई हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है सरोजनी नगर का। तो चलिए, सरोजनी नगर में इस तरह से मार्केट लगा हुआ है। कपड़े लगे हुए हैं, जूते। क्या रेट है भैया? 250 का, 350 का, 450 का। ये ड्रेस लगी हुई है। बेल्ट बेल्ट लेना है क्या? तो ऊपर है 100 रुपये तेल। दिल्ली में ये सबसे सस्ता मार्केट है। हर चीज सेल में लगी हुई है। 100 रुपये, 150 रुपये। मैडम बैग, हेलो बैग। आओ इधर आओ, 200 जिनसे। ये लोग कैप्री जिनसे। ट्रॉली बैग कलर अच्छे अच्छे हैं। ये सरोजनी में ही कपड़ों का ये एक मार्केट है। ये इसमें 100-100 रुपए में कोट वगैरह भी मिल रहे हैं, कलरफुल से। ये भी 100 रुपए में ही है। काफी सस्ता मार्केट है ये। 350 रुपए में सूटों की सेल भी है। ये बोर्ड लगा हुआ है। ये इयररिंग है। कौन सा? 30 हाँ, ये भी प्यारे वाले। सारे 30-30 के ना? ये वाले सारे 30 अलग अलग। और ये बड़े झुमके? बड़े वो भैया बताएंगे। बड़े झुमके क्या रेट है? सर्विस क्या रेट है? ये ब्लैक कलर वाले, ब्लैक कलर वाले, ब्लैक कलर वाले, ये वाले। हाँ हाँ, 500 रुपये इनका रेट ज्यादा है ना। ये 30 रुपये में भी अच्छे हैं। ये सरोजनी नगर में कौन सा ले रही? ये मैंने तो ये पसंद कर लिए। ये नीचे भी पड़े हुए हैं। 350 शर्ट की सेल, 550 दो रेट की। हर दुकान पर काफी भीड़ है। ले लो व्हाइट, ले लो लैंप। बर्तन और भी है, ज्वेलरी। क्या रेट है ये टी शर्ट? हाँ, टी शर्ट क्या रेट है? 250 से स्टार्टिंग। अच्छा, 250 से स्टार्ट है टी शर्ट। कलर काफी अच्छे अच्छे हैं। टी शर्ट वाले, निक्कर वाले। इयररिंग ये सारे 30-30 रुपए में क्या भैया? ये खाली इसको छोड़ दो। अच्छा, ये नीचे झुमके, ये झुमके बड़ी बड़ी झुमके छोड़ के बस भी 30 रुपए का है। और नेक पीस लोगे, नेक पीस 100 रुपए। इसमें क्या भैया? ये पुराने डिजाइन। क्या रेट दिए जूतियाँ भैया? 250। सारी ये वाली सामने। अच्छा, और ये मोती वाली? 300 रुपए। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए यहाँ सॉफ्ट टॉयज भी हैं, हर तरह के डॉल भी है, सभी है। क्या रेट है भैया ये? कोई भी
₹200 सेल लगाओगे। बंदेज सूट और ये स्टॉल क्या रेट है? ये स्टॉल क्या रेट है? ये प्लेन में ऊपर कढ़ाई वाले भी ये कढ़ाई वाला क्या रेट है? कढ़ाई वाला क्या रेट है? कढ़ाई वाला स्टॉल स्टॉल ये 350 का काफी हैवी स्टॉल है। सरोजनी नगर मार्केट से मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ वो भी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ और रेट के साथ मैं ये आपको सारा सामान खोल कर दिखाऊंगी। सरोजनी नगर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आप जितनी मार्केट बार्गेनिंग कर सकते हैं मार्केट में उतना ही सामान अच्छे से खरीद पाएंगे, वरना वहाँ पर रेट का कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कम में दे देते हैं। एक ये मैं सबसे पहले दिखाऊँ स्वेटर लेकर आई थी जो काफ़ी सॉफ्ट है एकदम, ये देखिए इसका स्टफ दिखा देती हूँ और काफ़ी स्ट्रेचेबल है, वाइट कलर की, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी तो एक मैंने सबसे पहले ये खरीदी थी। उसके साथ मैंने ये कैबरी ली डेली यूज के हिसाब से, तो ये कैबरी भी काफ़ी सॉफ्ट कपड़े में और स्ट्रेचेबल थी। एक ये लेगी ली थी मैंने, ये भी काफ़ी सस्ती करीब ₹200 में मुझे मिल गई थी। इन सारे कपड़ों को आते ही मैंने वॉश कर लिया था। ये 4 जोड़ी सॉक्स ₹100 में दे रहे थे, 3 जोड़ी दे रहा था तो मैंने उसको 4 जोड़ी का बोला तो उसने 4 जोड़ी दे दी थी। और इसके अलावा ये मैंने एक टी शर्ट ली थी, ये टी शर्ट्स भी ₹250 की थी, इसका भी कलर काफ़ी अच्छा था, हर साइज में ये वहाँ पर अवेलेबल थी। ये 3 टी शर्ट ली थी मैंने, तीनों अलग अलग कलर की, इसका मैंने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी, इसका ये पेंट धोते ही और ख़राब होना स्टार्ट हो गया, तो कम से कम अगर आप लेकर आएँ तो मैं इसीलिए बता रही हूँ ऐसी गलती ना करें जो मैंने की है। इसके अलावा मैंने ये एक फुल लॉन्ग स्वेटर ली थी जो फ्रंट ओपन है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और ये करीब मैंने 200 या 250 रुपये में ही ली थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं थी और कलर भी इसका अच्छा था, स्टफ भी काफ़ी सॉफ्ट है इसका और डिजाइनर भी है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद देखते ही आई थी तो ये मैंने ली। और इसके अलावा मैंने ये एक शर्ट टाइप जो भी है ये ली थी, ये भी काफ़ी डिजाइनर है इस तरह से, ये वहाँ पर हर साइज में अवेलेबल थे, इसमें बार्गेनिंग करना होता था बस, रेट आप जितना बोलते हैं उससे आप अपने हिसाब से जितना कम करवा सकते हैं करवाएं। एक ये मैंने लिया था, ये भी ₹200 में करीब लिया था, इसके ₹500 बोले थे और ये फिर मैंने लास्ट में ₹200 में ही ले लिया था। ये काफ़ी गर्म है, सर्दी के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा मुझे और साइज भी फुल है इसका, फुल लॉन्ग है। इसके अलावा मैंने ये सनग्लास लिया था जो ₹100 में ही मिल गया था, और इसके अलावा ये 2 ईयर रिंग लिए थे जो काफ़ी डिजाइनर थे और ₹30-30 में ये ईयरिंग मुझे मिले थे, ये देखिए ये ₹30 में ही ईयरिंग मुझे मिल गए थे। और एक ईयरिंग ये जो सिंगल स्टोन में था ये भी काफ़ी मुझे पसंद आए थे तो एक ये मैंने ख़रीदे थे। और इसके अलावा ये डफल बैग मैंने लिया था, इसमें आप थोड़ा बहुत सामान लेकर कहीं भी जाना चाहें, एक जने का सामान तो इजीली आ जाएगा, इसके भी ₹550 बोले थे और मैंने ये ₹150 में बार्गेनिंग के बाद फाइनली ले लिया था। तो ये इसमें डबल चैन है और इतना छोटा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा है, ये साइड में भी इसमें पॉकेट है, ये भी अच्छा लगा मुझे, दोनों साइड पॉकेट है इसमें। एक ये मैंने सामान काफ़ी ख़रीद लिया था तो मुझे इस टाइप के ये 2 बैग खरीदने पड़े थे, ये भी ₹150 में बोले थे और ₹60 में मुझे मिल गया था, ये भी काफ़ी बड़े साइज में है, सिंगल पॉकेट लेकिन सामान इसमें काफ़ी आ जाएगा। और इसके अलावा मैंने एक ये फ्लावर वॉच लिया था, ये फ्लावर प्लांट के साथ में ही था,
और इसमें ये कुछ बीट्स तो मैंने घर पे लाकर डाले थे और कुछ पहले से डले हुए थे, और इसके भी 400 रुपये बोले थे और 200 रुपये में ये मुझे दे दिया था फाइनली। तो आप भी ये सारा सामान देख कर बताएं मुझे कमेंट करके कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा अच्छा सामान लगा आपको। तो कमेंट का आपके वेट करूंगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।